बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। 26 जनवरी को पैडमैन रिलीज होने वाली है। पैडमैन की बात की जाए तो पैडमैन को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पे बनाई गई है, जिस मुद्दे पे आज तक किसी ने फिल्म नहीं बनाई, सैनिटरी नैपकिन। आपको बता दें, अक्षय कुमार सोनम कपूर की जोड़ी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि सोनम कपूर ने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया। लेकिन हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अक्षय कुमार ने दिया है पद्मावती और पैडमैन के क्रैश को लेकर बड़ा बयान। जी हां, बात कर रहे हैं पद्मावती और पैडमैन के बीच हो रहे बिग क्रैश के बारे में। आपको पता ही होगा, पद्मावती 160 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई है, लेकिन पैडमैन का बजट कोई खास नहीं है, लेकिन दोनों ही फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। अक्षय कुमार ने कहा कि बहुत ही बड़ा दिन है, दोनों फिल्मों को रिलीज होने का हक है। उन्होंने बात कहा कि जो फिल्म अच्छी होगी वो दर्शक जरूर पसंद करेंगे, चाहे वो मेरी हो चाहे वो पद्मावती हो। जो फिल्म अच्छी नहीं होगी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं धमाल मचा पाएगी।